मैंने शुरू में आपकी संगत में एक बात अर्ज की थी कि कानून कहीं ना कहीं वो कानून होगा, मसलन हमने बात कही तो लोगों के दिलों पे कोई असर हो, या कोई और कानून की मिसाल दी थी, जैसे सिले रहम की मैंने मिसाल दी थी कि भाई एक इंसान की ज़िंदगी में 3 साल बाकी थे, उसने सिले रहम किया तो 30 साल बढ़ गए। अच्छा, ये कानून है, ये इत्तेफाक है, कानून है। रिवायतों में और आयतों में कानून ढूंढते रहे, इससे आपको जो इल्म मिलेगा वो कुछ और ही कर देगा आपके साथ। जिंदगी गुजारने के कानून ढूंढने, मसलन रिवायतें खुशी के लिए क्या कह रही हैं, गम के लिए क्या कहती हैं, कैसे खुशी आती है इंसान के दिल में। अगर मुझे याद, इतना मेरा हाफ़ज़ा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि आज ही मैंने वो रिवायत पढ़ी थी, कोशिश करता हूँ कि अगर मिल जाए तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद बेदायर, कल पढ़ी थी और अल्लाह के नबी से ये रिवायत है, और ये रिवायत हमारी शेख मुफीद के अंदर मौजूद है। एक साहब हैं वो लाहौर में रहते हैं, वो हर रोज़ एक रिवायत भेजते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हर रोज़ एक रिवायत भेजते हैं। आप भी कोई ऐसा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें जिसमें हर रोज़ एक मुस्तनद रिवायत मिल जाए जो कानून बयान कर रही हो ज़िंदगी गुजारने का। काश ऐसा कुछ आपको भी मिले। ये बहुत नफीस साहब हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कि रिवायत भेजी, खुद मौलाना है तो अरबी ज़रूर लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रिवायत में अरबी मौजूद हो ताकि मैं समझ सकूं कि भाई तर्जुमे में कोई गलती तो नहीं हुई है। फिर अरबी का अपना एक लुत्फ़ होता है, इमाम का कलाम है, मासूम का कलाम है, उसकी अपना एक तासीर होती है। उर्दू की ज़बान में भी अच्छा है, मफहूम तो मिल जाता है, लेकिन वो जो अरबी का असर है कलाम इमाम का वो नहीं हो पाता बस वक़्त। माँ मिन अब्दिन एहतम्मा बिमवाक़ीत अस्सलात व मवाज़िअ अश-शम्स इल्ला ज़मिनतु लहुर रूह रौह इंदल मौत व इन्क़िता अल-हुमूम वल अहज़ान व नजात मिनन नार। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स ऐसा नहीं है जो नमाज के औकात और सूरज की हरकत और मकामात का ख्याल रखे, यानी क्या मतलब, गुरूब तुलू जवाल इनका ख्याल करे, नमाजों का ख्याल करें, अगर कोई करे तो क्या होगा। फरमाया कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि वो ये करे, मगर ये यानी हमेशा ऐसा होगा, अगर कोई शख्स नमाज का ख्याल करे, सूरत के औकात और मकामात का ख्याल करे तो क्या होगा, हमेशा ये होगा कि मैं मौत के वक्त आसानी का सबब बनूंगा। नबी फरमा रहे मैं उसके लिए मौत के वक्त आसानी का सबब बनूंगा, और गमों और परेशानियों से निजात और जहन्नम की आग से निजात की उसको जमानत देता हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स नमाज के औकात और सूरज के मकामात का ख्याल रखे तो मैं जमानत देता हूं कि मैं मौत में आसानी, परेशानियों और गम में निजात और आग से निजात की जमानत देता हूं उसे। ठीक है, अच्छा, अब ये जुमला अल्लाह के नबी का किस तरह से हमें देखना चाहिए, हमें इसको कानून की सूरत में देखना चाहिए, ये कानून है। अब मैं अपने आप से सवाल करूँ, भाई मुझे मौत में आसानी चाहिए नहीं चाहिए, वो कतन चाहिए। मौत के वक्त किसको मुश्किल चाहिए, सारी ज़िंदगी भी कोई इंसान मुश्किल उठाए ताकि मौत आसान हो जाए, तो वो उसकी अर्जिश है, उसकी कीमत है। तो फिर क्यों ना मैं नमाजों के औकात का ख्याल करूं ताकि मेरी मौत आसान हो जाए। और अल्लाह के नबी ने सिर्फ मौत की आसानी का बात नहीं की, उन्होंने फरमाया दुनिया में भी साथ दूंगा, मरते में भी साथ दूंगा, आखरत में भी साथ दूंगा। तो एक जुमला फरमाया मौत का, मौत के वक्त, एक जुमला दुनिया का बताया परेशानी और गम, और एक जुमला आखरत का बताया आग, तीनों जगहों के ऊपर। अब ये कानून है, आप और मैं चीज़ों को कवानीन की सूरत में देखने की कोशिश करें। ये मुझे अपनी तालबे इल्मी के काफ़ी अरसे के बाद समझ में आया कि हम इन रिवायतों को अखलाकी नसीहत और मौइज़े में देखते हैं। नसीहत है, मौइज़ा है, वाज है, नहीं, ये सब कवानीन है, इनको कानून की सूरत में देखना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि परेशानी और मुश्किलात में आपको मदद मिले, देखिए कानून क्या 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 कहते हैं, कवानीन पे अमल करें। मसलन एक इस सिलसिले में बस एक पॉइंट और अर्ज करूँगा, और वो ये कि मैंने एक ज़माने में घर बनाया एक, उसके बाद